हमीदपुर डिग्री कॉलेज में सैकड़ों रुपए का बना 3 मंजिला भवन मात्र 3 सालों में ही जंजर होने लगा है और नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन में करीब 5 करोड़ की लागत से लगाई गई टाइलें जंजर होकर गिर रही हैं। डिग्री कॉलेज में इस तरह जंजर हो रही टाइलें 3 साल पहले ही लगाई गई थी, लेकिन इनकी हालत खस्ता होने के कारण घपले का अंदेशा बन गया है। वहीं भवन की सीलिंग भी उखड़ने से नीचे गिर रही है, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। गौरतलब है कि इस तरह सरकारी शिक्षण संस्थान का काम पिछले 1.5 दशकों से अटका रहा है और जब 3 साल पहले बनकर तैयार हुआ तो ऑडिटोरियम के कुछ 3 सालों में ही हालत खराब होने पर कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बाबत शिकायत की है, लेकिन रिपेयर नहीं की जा रही है और भवन की सीलिंग गिरने के कारण बच्चों को भी आगाह कर दिया है कि इसके आसपास न जाएं ताकि कोई हादसा न हो। कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्वाल का कहना है कि 3 साल पहले भवन का निर्माण करवाया गया था, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर भी सीलन आ रही है और सीलिंग भी टूट रही है। उन्होंने बताया कि टाइलों के भी उखड़ने और खराब होने की सूचना पीडब्ल्यू विभाग को दी गई है, लेकिन अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, 5 करोड़ 43 लाख का बजट था इसका और ये जो टाइल्स लगी हुई है ब्लैक टाइल्स, इसके बारे में कई बार हमने विभाग को लिख के बता दिया है पीडब्ल्यू विभाग को और वो आए भी और बीच में ये पैच वर्क हुआ भी, लेकिन अभी फिर 5-7 दिन पहले फ्रंट साइड से फिर ये टाइल्स गिर गई है। इसके बारे में विभाग को सूचना दे दी है और हम अपने बच्चों को भी आगाह करते हैं कि इसके आसपास ना बैठें, क्योंकि ये कोई 1.5 किलो की टाइल है, अगर ऊपर से गिरे तो खतरा तो बना ही है। और जब जब भी ये समस्या आई तो हमने विभाग को सूचित किया है, विभाग ने भी आकर के कार्रवाई की है, लेकिन अब इसके लगाने के बावजूद फिर गिरी है। विदित है कि जब टाइल्स गिर रही हैं तो अभी क्वालिटी वर्क तो नहीं हुआ इनका। स्पोर्ट्स जो विभाग है उसके अंडर है, हमारे अंडर भी है, पर हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा हमें भी मिले इसमें, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं नीचे खेलती हैं, टॉयलेट यूज करना हो तो उसका सदुपयोग हो सके। ऐसे मैंने लोकल से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात भी की थी कि एक कमरा हमें जरूर मिले, और वो बंद रहते नीचे, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वाले हैं, वो जो नीचे ग्राउंड के साथ हैं, वो कंट्रोल उनके पास है सारा ही। तो हम ये चाह रहे थे कि 1-2 कमरे हमें मिले, ताकि जो हमारे बच्चे खिलाड़ी हैं वो खेलते समय मान लो उनको ऐसे बाथरूम यूज करने की ऐसी हो जरूरत हो तो जरूर ऐसा प्रावधान होना चाहिए। ये मैंने लोकल MLA से भी बात की है।